view from our hotel is so gorgeous. Everything is packed. Ready to go. Ready to go. क्या लिया? चाय लिया। ओके। और जूस ही लेना। वो सब बना नहीं लिया मैंने। फायदा है मैंने। तुम? क्यों चाहिए? जाओ वहाँ पे हो जाके आओ। We are ready to leave. अरे अरे वहाँ पे हम लोग जो गाइस अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं और आज हमारे ट्रिप का डे 4 एंड जोशिता एंड बॉस गए हैं वहाँ पे कॉफ़ी लेने के लिए. सो चलो उनके पास चलो. डे फोर है लेकिन हम लोग डे फाइव का प्लानिंग कर रहे हैं. डे फाइव में हमको निकलना है वापस कनाडा और उसके चाहिए हमको RT-PCR टेस्ट. ओके. और US में RT-PCR टेस्ट फ्री है. सो वी आर हियर फॉर दैट. अदरवाइज दे कैन आल्सो चार्ज यू $325 और रिजल्ट दे देंगे दो घंटे में फास्ट वाला. हम लोग कर रहे हैं फ्री वाला. रिजल्ट आएगा एक से दो दिन. सो गाइस और ये सारी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है. एलिया ड्राइव थ्रू पे आप वैक्सीन ले सकते हो और ये चीज़ बहुत यूनिक लगी मुझे. गाड़ी में ही वैक्सीन ले लो एंड 15 मिनट तक यहाँ पे अपने गाड़ी में ही रेस्ट करो, ना ही आप कोई चीज़ टच करो. इसलिए टाइम लगा गाड़ी में. सो गाइस अभी हम आ गए हैं लिटिल इंडिया शिकागो में और यहाँ पे हर एक चीज़ें ना इंडिया में आपको जो भी चीज़ें मिलती है सारी मिल जाएंगी एंड शॉप्स के नाम भी ना इंडियन पूरे थे और यहाँ पे ड्रेस एवरीथिंग अवेलेबल था. पूरा इंडियन लगा ही है. बाजार लिखा हुआ देखो. अरे भाई यहाँ पे एक ना हलीम बेचता है, शानदार, बहुत अच्छा आता है हलीम. देखो इंडियन स्टोर, सुल्तानी बुक्स. घूमते यहाँ पे गाड़ी पार्क कर. और हम यहाँ अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आ गए. ये गुजराती रेस्टोरेंट है, वेजिटेरियन, एंड काफी अच्छा इसका रिव्यू हमने देखा तो हम यहाँ पे आ गए. मैं गई होती अब तक. चलो ये क्लिप है नेक्स्ट मॉर्निंग की डेट्रॉइट में और कल रात को ही हम डेट्रॉइट आ गए थे. शिकागो की लास्ट क्लिप वही रेस्टोरेंट वाली थी. इसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि हम रास्ते में थे और बस अभी हम आए हैं यहाँ आई होप ब्रेकफास्ट करने के लिए और अब यहाँ से हम जाएंगे शूटिंग रेंज के लिए बिकॉज शिवम और हैरी दोनों का बहुत मन था. तो नेक्स्ट क्लिप मैं वहाँ पर शायद ब्लॉग करूँ और बिकॉज हम लोग बहुत टायर्ड भी हो चुके हैं. हमारा फेस देख के आपको पता चल रहा होगा बट फिर भी मैं थोड़े बहुत ऐसे कैप्चर कर रही हूँ मोमेंट जो कि हमें हमेशा याद रहेंगे. शूट पॉइंट ब्लैंक. शूटिंग एज आज सानू शूट करेगी. किसको मालूम है? किसको शूट करोगी तुम? किसको समझ के आप रहोगे तो निशाना बिल्कुल सही लगेगा. अच्छा नहीं मन का बताओ, सच्ची असली तो असली बताओ. यहाँ पे गन लेना अलाउड है?
ले सकते हैं, बस यू हैव टू बी अ तो कनाडा में लेके नहीं जा सकते ना, कनाडा बॉर्डर से क्रॉस कर सकते हो नहीं। सो अभी हम करेंगे शूटिंग। ओके लेडीज विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ $10 फॉर दैट डे। तो अभी हम यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसे कि हमारी आईडी प्रूफ लग रही है फ़ोटो के साथ, जो आईडी लगती है मोस्टली ऐसे जगहों पे, तो बस वही सब फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे हो रही हैं। देन अब मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। ये हमारी टारगेट ऑप्शन है, मैंने तो क्यों सा लिया है क्या गोली बंदूक वाले काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से। कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं? ये बचपन में 2-2 रुपए के चार्ट पेपर खरीद के आदत हो गई। ओके ओहो, इस कलर में किसी का प्रिंट आउट लगा सकते थे, तुम्हें पता है मैं किसका डिजाइन दिखा दूं, मैं डिजाइन दिखा दूं, पता है मुझे, इसीलिए मैंने पहले सॉरी बोल दिया, बाकी सब का सॉरी बोलते हैं। नहीं नहीं वाचिंग नहीं मैं इसको निशान लगा रहा था और इसको निशान लगा था, सिर्फ इसको लगा। शिवम दिखाओ रिजल्ट, मुझे देखना है। लगी तो है भाई, किसके बारे में सोचा है तुम लोगों ने? गोलियां खत्म, कितनी थी शिवम? गोली खत्म की है, खत्म। चलो कैसा लगा? गुप्ता जी और भी गोलियां लेने जा रहे हैं। आई थिंक आई नीड मोर प्रैक्टिस। नहीं इसके पहले की तो अच्छी थी ना, पहले वाला अच्छा था, ये पहले वाली थी। फर्स्ट टाइम किया ना ये, देखो डिफरेंस। हाँ ये वाली अच्छी थी, फर्स्ट वाली अच्छी थी। यो कैसा लगा बंसल जी गन शूटिंग करके बताओ? बहुत बढ़िया, रियल गन, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत आप मेरे आगे आए नहीं, वरना शायद मेरा शॉट थोड़ा और अच्छा हो जाता। ओके आई एम ग्लैड आई डिडंट। अच्छा ये बताओ
आप लोग ने पहले से पहले गन चलाया था कभी? रियल नहीं चलाया था। कोई ट्रेनिंग दिया आपको इन लोगों ने? राइट, सीधे हाथ से गन पकड़ा दिया और ये बोला कि एक दूसरे की तरफ नहीं करना। मैं तो ये सोचा था यार कि अगर कोई मतलब वहाँ पे देखा था तुम लोग, 6-6 साल के बच्चे भी थे वहाँ पे, चाइल्ड सेफ नहीं, 6-6 साल के बच्चे भी थे वहाँ पे ट्रेन कर रहे थे वहाँ पे, और वो लोग के हाथ में बंदूक पकड़ा दे रहे हैं बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के। वो तो हम लोगों ने पूछा तब जाके हम लोग उसे सिखाया कैसे वो करना, मैगजीन लोड करना। राइट, मतलब दिस इज यूएस, यहाँ पे गन लाओ कुछ भी नहीं है, बस आईडी लेके आओ और गन आपको मिल जाएगी, ट्रेनिंग करना ट्रेनिंग करो, नहीं तो फिर लेके निकल जाओ शूट आउट में। लेफ्ट में देखो लेक जम गई, इस पे करते हैं वो आइस स्केटिंग और गाड़ी चलाते हैं जो। फिर से देखो लेफ्ट में, हम लोग के यहाँ पे नदी के पीछे ना, मगर पीछे। तो अभी मैं आई हूँ ट्रॉय मॉल और बस यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ पे एक बार एक राउंड लगाने वाले हैं एंड डेकोरेशन काफ़ी अच्छा था इस मॉल का, और इसके बाद फिर हम निकल जाएंगे चैटम की तरफ। तो बाकी सारे ब्लॉग ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स में है। कैसा लग रहा है? बर्फ ही बर्फ, ये देखिए। शॉपिंग करके बाहर आए और इतना स्नो है, गाड़ी को अभी हीट पे लगा दिया है, और ये देखो हम लोग वापस जा रहे हैं। वी आर गोइंग बैक टू कनाडा नाउ। ओके, गोइंग बैक टू कनाडा नाउ। कैसा हम कैशलेस स्टोर ओनली भाई, क्या बात करना भाई साहब। भाई मैं पता नहीं कौन सी वीडियो चलाती भाई। हियर वी गो एयरपोर्ट विन सेटल। सो मैप भी आ रहा है, और ट्रैफिक इधर जाएंगे इस तरफ से। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं घर और स्नो फॉल हुआ है एंड ये लाइट्स हम लगा के मतलब ऑन ही करके गए थे यहाँ पे। अभी लाइट बहुत अच्छी लग रही है यार देख के। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं घर और स्नोफॉल यहाँ पे भी हो गई फाइनली, हम साथ में लेके आए हैं यूएस से।